महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर धरना दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें कम से कम 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए, हमें पेंशन दिया जाए, जब हम रिटायर हों तो हमें एक सम्मानजनक रकम दिया जाए जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। धरने में सुशीला शर्मा, पुष्पा त्रिपाठी, माधुरी, किरण, अमिता, मालती, रेखा सैनी, कुसुम सिंह, सरिता देवी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संघ की जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने कहा, मैं गोरखपुर जिले की जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ HMS से संबद्ध हम लोग हैं, मजदूर संघ से। हमारी मांगे हैं कि हमें कम से कम 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए, हमें पेंशन दिया जाए, 3,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए, जब हमें रिटायर किया जाए, अपनी जब हम अपनी नौकरी से पूरी करके अवधि निवृत्त होते हैं तो हमें एक सम्मानजनक कम से कम 2,00,000 रुपये दे के हमें अपने घर भेजा जाए और मासिक पेंशन 3,000 रुपया दिया जाए और सहायिकाओं के 1,00,000 रुपया प्लस उनको भी पेंशन दिया जाए, क्योंकि 4,000 रुपये से हम लोगों का गुजारा हो नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, जब इनकी सरकार नहीं बनी तो ये लोग बोले कि 120 दिन का इन्होंने करार कि 120 दिन पूरा होगा तो हम अपनी बहनों की मांगों को पूरी कर देंगे, इनको एक नियमित कर्मचारी बना देंगे, इनका वेतन बढ़ा, लेकिन कुछ भी इन्होंने आज तक नहीं किया।